नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। धोनी के ना खेलने के कयासों पर लगा विराम, आईपीएल 2022 में माही को रिटेन करेगा सीएसके। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले 4.5 साल में नहीं हुआ एक भी दंगा, अब फसाद किया तो 7 पीढ़ियां भरेंगी मुआवजा। बिहार के औरंगाबाद में बीए की छात्रा का अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म से हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। केरल में बाढ़ का कहर, 15 की मौत, 20 से अधिक लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना, गृहमंत्री बोले हर संभव मदद करूंगा। गाजियाबाद में 25वीं मंजिल से गिरकर जुड़वा भाइयों की संदिग्ध अवस्था में मौत, बालकनी में रखी कुर्सी और पटरा उठा रहे कई सवाल, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली एनसीआर समेत वेस्ट यूपी में छाया अंधेरा, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में हो रही है बारिश। उत्तराखंड के कई पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट, केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री की रोकी यात्रा। सपा मुखिया अखिलेश यादव का भाजपा पर तंज, बोले विकास के लिए भाजपा को हटाना जरूरी, योगी नहीं योग्य सरकार चाहिए। 24 घंटे के अंदर ही सोनिया गांधी के फरमान का उल्लंघन, सिद्धू ने लिखी चिट्ठी, मिलने का मांगा समय। यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी नितिन अग्रवाल ने दाखिल किया नामांकन, कल यानी सोमवार सुबह 11 बजे होगा मतदान। उत्तराखंड के दो और लाल जम्मू कश्मीर में शहीद, जौली ग्रांट पहुंचे दोनों शहीदों के पार्थिव शरीर, सैनिक कल्याण मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। 18 को 6 घंटे तक रोकेंगे ट्रेनें, 26 को लखनऊ में महारैली, संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान। सिंघू बॉर्डर पर दलित युवक की निर्मम हत्याकांड में अहम खुलासा, आरोपी ने 3 हमलावरों के नाम और 4 को पहचानने की बात कबूली। राजस्थान के पूर्व मंत्री व कांग्रेसी नेता महिपाल मदेरणा का निधन, भंवरी देवी हत्याकांड के थे मुख्य आरोपी। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा, पूर्व सांसद कादिर राणा ने भी सपा में जताया भरोसा। शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी का आरोप, मुंबई के जुहू थाने में दर्ज की गई शिकायत। देश भर में कोरोना के 14,146 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 144 लोगों की हुई मौत। T20 विश्व कप से पहले सौरभ गांगुली ने दी टीम इंडिया को सलाह, कहा आप आसानी से चैंपियन नहीं बनते। ई श्रम पोर्टल पर केवल 2 महीने में 4 करोड़ श्रमिकों ने कराया रजिस्ट्रेशन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दी जानकारी। असदुद्दीन ओवैसी के साथ जा सकते हैं मेरठ के पूर्व सांसद शाहिद अखलाक, अपने चाहने वालों से करेंगे राय मशवरा, फेसबुक पर पोस्ट हुआ वायरल।